हो अपने ऊपर ही है भाई, ऐसा ना हो जाए कोई ऊपर से निकल जाए। और कितना बड़ा है ब्रो। तो हाय दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग आप टाइटल से समझ चुके होंगे कि आज का व्लॉग में आपको क्या देखने मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, थैंक्स कहना चाहता हूं सब्सक्राइबर का जिन्होंने हमें ये बात बताई। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। वहां पे आप लोग ऐसी तरीके की बातें बता सकते हो कि भाई आप लोग यहां जाओ, वो विजिट करो, वहां दिखाओ, यहां दिखाओ, जो भी चीजें आप लोग बताओगे हम लोग वो करते हैं और जाते हैं। देखो वो रास्ते से हम लोग डेली जाते थे, मतलब डेली हम लोग वो रास्ते से गुजरते थे, लेकिन कभी हम लोग को वो अंदाजा नहीं था कि वहां पे ऐसी कुछ चीजें हैं। तो सब्सक्राइबर ने वो बताया, तो अभी हम लोग वहां पे जाने वाले। धीरज भाई बताओ क्या सीन है, कैसा है? देखिए सबसे पहले तो ये कि जब मेरे को मैंने बताया कि ऐसा एक एरिया नहीं बोलते, ग्रुप ऑफ एरिया बोल सकते, जहाँ पर सब चीज ओल्ड कंस्ट्रक्शन, पुरानी जमाने बिल्कुल, और मेंटेन्ड है। ऐसा नहीं कि जर्जर जमीन है, धोखादायक इमारत है, बहुत पुराने कंस्ट्रक्शन, बहुत पुराने टाइप के रोड, पुराने टाइप के पोल लाइट्स भी है, और जंगल, पुराने ट्रीज। और हमको बकायदा फोटोज भेजी उन्होंने। और जब मेरे को मैंने बताया कि ये तो हमारे शहर से ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ पर हम कई बार जा चुके हैं और हमने नोटिस भी नहीं किया। हमने नोटिस नहीं किया, बस वो मेन हाईवे से गुजरते थे लेकिन अंदर कभी हम लोग नहीं गए थे। तो इस बार हम लोग ने डिसाइड किया हम लोग अंदर जाके देखेंगे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जगह, और वहाँ पर एक बोर्ड लोग बोलते हैं कि एकदम छोटे मोटे बैंक वैंक, छोटे मोटे हर चीज है वहाँ पर, सारी वो भी ओल्ड 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 तरीके से हर चीज को और मेंटेन किया उन लोगों ने। जानवर भी वहाँ पे, हाँ मतलब काउज और बहुत सारी चीजें वहाँ पर हैं। तो मे भी हम लोग रात के टाइम में जाने वाले, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग। और इवन देखो यार, हम लोग भी वहाँ पे गए नहीं है, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल ये हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो हमने सोचा कि फर्स्ट टाइम में ही आप लोग को दिखा दे कि हमारा भी एक्सपीरियंस कैसा है और आप भी हम लोग के साथ एक्सपीरियंस ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम लोग आपको वहीं पर लेके चलेंगे और आपको बताएंगे बहुत सारी चीजें, आप लोग भी देखिए, बिकॉज जो होगा वो दिखाएंगे हमेशा की तरह। और मजा आता है, मजा आता है। जो हमने फोटोज तो दिन की देखी थी, और दिन की फोटोज में किसी गाँव की फोटो देख रहा हूँ, लग रहा है शहर के बीच का इलाका है। और अच्छा ऐसी चीजें हैं। यस यार, सोचना हम लोग उधर से डेली जा रहे हैं लेकिन अपने को मालूम भी नहीं कि ऐसी भी चीजें। हम लोग की आदत थोड़ी सी ऐसी हो गई कि हम लोग रात को व्लॉगिंग ज्यादा करने लगे, जो डे की फोटोज देख के हम लोग रात को कर रहे हैं वो भी अच्छा लग रहा है मतलब एक्चुअली, बट क्या पता शायद हमको कुछ। देखो रात में जाने का मकसद क्या होता है मालूम है, हम लोग यार डे में थोड़ा बिजी होते हैं, डे में हम लोग का काम होता है, नीरज भाई जॉब जाते हैं, ठीक है, हम लोग हमारे प्रैंक शूट करते हैं, फिर टिकटॉक, फिर बहुत सारी चीजें, हम लोग अपने अपने डे में रहता है तो डे में बहुत कम समय मिल पाता है हम लोग को शूटिंग करने, ब्लॉग बनाने के लिए। आप लोग भी बहुत बार शिकायत करते हो यार दिन में क्यों नहीं बनाते हो तुम लोग, यार दिन में हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग दिन में टाइम निकाल के भी कई कई वीडियोस इनको दिए हैं, बहुत बहुत कई वीडियोस आपको दिए हम लोग ने दिन में निकाल। मतलब तो एक काम करते हैं दिनेश भाई, ज्यादा बात नहीं करते हम लोग, ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट वहां पे चलते हैं और वहां पे चलने के बाद फिर आप लोग भी मजा लो और लास्ट में हम लोग आप लोग को मिलते हैं कि आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों, ठीक है? Yes. चलो तो अभी हम लोग ये वाले रास्ते की तरफ आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड बिल्डिंगें दिखेंगी और बंगलोज दिखेंगे, और इवन आपको सिर्फ जंगलें दिखेगी, यहाँ पे सिर्फ जंगल दिखेगी और कुछ नहीं नजर आएगा। धीरज भाई लाइट चालू कर दो ना, देख रहे हो लाइट बंद था, अभी देखो लाइट चालू हो गया, इवन बहुत कम लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन यहाँ देख सकते हो, ये देखो कैसे गेट थे पहले, कैसे गेट थे, ये देखो ये सारे ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। अरे आराम से धीरज भाई, ये देखो यहाँ पे भी आपको नजर आता होगा ओल्ड कंस्ट्रक्शन, मैं एक बार नीचे करता हूँ, ये देखो देख रहे हो पूरे ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, और हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ झाड़े दिखेगी, झाड़ नजर आएंगे और सारे ओल्ड बिल्डिंग है। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो ओल्ड बिल्डिंग है सारी, आपको नजर आती होगी सामने सामने सामने, ये देखो सामने की तरफ देख लो, हर जगह कहीं पे भी देखो आपको सिर्फ ओल्ड बिल्डिंग नजर आएगी, और आपको रास्ता इतना एकदम सुनसान नजर आएगा, काफी कम लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं, लेकिन हमने सिर्फ सोचा, अभी आपको देखो सामने ऐसा लगता हुआ कि अरे यार रास्ता खत्म है, लेकिन बहुत आगे तक रास्ता है, और लाइट बंद कर दिया तो कुछ नहीं दिखने वाला है। तो सीरियसली बता रहा हूँ, यहाँ के आप घर देख लो एक बार, लाइट चालू करो, ये देखो ये देख रहे हो आप लोग एकदम पूरा ओल्ड, पूरा ओल्ड, ये देखो झाड़ देखो, ये पूरा जंगलों के बीच में है, और सीरियसली बता रहा हूँ यहाँ पे आपको कोई नजर नहीं आएगा, पूरा रोड करीबन, ये जो आपको जगह देख रही है ये जो जगह, ये करीबन कितना किलोमीटर में पूरा होगा कवर, ये बहुत बड़ा होगा, मैं बहुत बड़ा ना, मैं एस्टिमेट नहीं कर सकूंगा क्योंकि डेटा नहीं देना चाहता मैं, अभी भी 20 किलोमीटर के पूरा एकदम यहाँ से रास्ता है, देखो
देख रहे हो, यहाँ से रास्ता है, वहां से रास्ता है, हर जगह से आपको रास्ता कहीं ना कहीं लेके जाएगा। और ये देखो झाड़वाड़ आपको नजर आता होगा। तो अगर मेरे को मिला मौका तो एक दिन हम लोग गोप्रो लगा के बाइक से आएंगे, ताकि आपको सारी चीजें हम लोग दिखा सके, घर देख सकते हैं। ये देखो घर आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये देखो आपको घर नजर आते होंगे, ये देखो कितने ओल्ड एज के घर है। ओ फिक, बाप रे बाप, ये देख रहे हो, ये देखो देखो पूरा बंद है, पूरा टूटा है, सब ओल्ड एज के घर है। ये देखो पूरा लाइन से वही है। अभी आपको ये टाइम नहीं नजर आता होगा, हो सके तो हम लोग डे के टाइम भी आएंगे। देखो हर जगह आपको रास्ता दिखेगा। और आपको ये बताता हूं कि मौसम बड़ा अच्छा है यहाँ का, झाड़ियों के बीच एक अलग ही एक अच्छा फील आ रहा है, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है, हॉन्टेड फील आ रहा है, लेकिन एक मुंबई में देखना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो इसके लिए हम लोग के लिए तो ये काफी शॉकिंग रिजल्ट है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आए और आप लोगों को भी दिखाना चाहे कि ये जगह आप लोग एक बार देख लो। तो ये देखो अभी हम लोग इस समय सेंटर पे आ गए और आगे की तरफ देखो, हर जगह सिर्फ देखो रास्ता ही जा रहा है, हर जगह रास्ता जा रहा है। और हर जगह देखो यहाँ पे भी रास्ता, बोला ना ये काफी बड़ा बना हुआ है काफी, और हर जगह देखो झाड़ पेड़। ये शहर का छोटे से पानी की टाकी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, बंदा जो भी है कुछ थोड़ी देर पहले से नजर गई थी मेरी, देखो 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 बहुत ना। हाँ ये देखो देखो, कोई भी चीज अगर आपको न्यू मॉडर्न दिख जाए कोई, और ये ऐसे कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता, मैं भी, और ऐसे भी नहीं कोई चीज, ये मेंटेन्ड ओल्ड है, मेंटेन्ड ओल्ड, ऐसे नहीं कि भैया कि नया कुछ बन रहा है कि एकदम जर्जर हो गई ये बिल्डिंग, बिल्कुल वैसा नहीं है, देख सकते हैं आप पूरा ओल्ड एकदम, यहाँ से लेकर वहां से लेकर हर चीज है, पूरा वहां तक यार मजा आ गया, लेकिन मजा आ गया। यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो साइड भी आप लोग नजर मारोगे तो सारी ओल्ड चीजें, और यहाँ पे सिर्फ आपको रास्ते में झाड़, ये तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है तो फिर सारी चीजें नजर आती होगी, लेकिन अगर हम लोग आगे की तरफ जाएंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। ये देख रहे हो आप लोग सारी ओल्ड चीजें। अच्छा यहाँ पे खेती वेती भी होती है? यस, मुझे आईडिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, देख ना ये देख के शायद खेती वेती भी होती होगी। ये देखो देख रहे पूरा एकदम, बाप रे बाप यार मजा आ गया, लेकिन एक अच्छी फील हो रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग, आपको कोई नजर नहीं आएगा, और करीबन आप लोग को नजर आता होगा हम लोग देखो ये एक बजे के करीब यहाँ पे आए हुए। और मैं ये देखो गूगल टाइम दिखाएंगे तो, क्योंकि मेरे गाड़ी तो अनसिंक हो गया था। अच्छा तो ये 12, अच्छा हाँ ये देखो 1253, मतलब वही हो गया, 3 मिनट का सिर्फ फर्क है, बाकी सही। देखो पूरा एक देखो ओल्ड, पूरा ओल्ड, ये देख रहे हो आप लोग, ये देखो। और यहाँ पे भी सोचना एटीएम बनाया गया, मतलब सारा ऐसा लग रहा है गांव वाली फीलिंग आ रही है। बोलो मैं आपको पेड़ों ये तो दिखा दीजिए पहले, ये दिखा दीजिए। हाँ। पुरानी दुकान ऐसी होती थी और उसके ऊपर ना पौधा ये झाड़ दिखी आपको, मैं देखो ये झाड़ दिखाता हूँ, ये देखो। ओहो बाप रे, मैं अपनी गाड़ी को टकराना चाहता हूँ हल्का सा उस डालियों से, पर छिड़ना नहीं चाहूंगा। देखो ये देखो टकराऊंगा, देखो देखो देखो, बाप रे बाप, हो अपने ऊपर ही है भाई, ऐसा ना हो जाए कोई ऊपर से निकल जाए। और कितना बड़ा है ब्रो, तो ये मतलब क्या बताए आपको कि डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब ना चीजें मेंटेन हो रही है पर चीजों का कंस्ट्रक्शन ही चेंज किया जा रहा है। ये काफी एक अपने आप में एक यूनिक बात है किसी भी एक छोटे से शहर को बसाने के लिए, एक बहुत ही एक अच्छी चीज जो हमको बोलते ना मजा आ रहा है, लेकिन नॉर्मली देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग ने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए, मतलब हर चीजें ओल्ड टाइप है। तो फाइनली हम लोग वहां से आ गए और हल्का हल्का एक्सपीरियंस बताएंगे। पहले धीरज भाई बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि सचमुच ऐसा है, पहली बात तो वो फैक्ट था जिसको हम लीड कर रहे थे, और कंस्ट्रक्शन अच्छे थे, पेड़ बहुत ज्यादा पुराने दिख रहे थे, और वो पेड़ में मजा आया ना, लेकिन हमारी डालियों को एकदम लग रही थी। एटीएम देखे थोड़ा मैं चौंक गया था कि भाई मुझे तो लगा नहीं था वहाँ पर एटीएम भी होंगे, पर वो अच्छा था, एटीएम अच्छे थे वहाँ के। सबसे अच्छी थी मतलब रोड कंस्ट्रक्शन बहुत क्लीन और साफ थे, कहीं भी गाड़ी ज्यादा उछल नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं थे। अनएक्सपेक्टेड कि वहाँ पर डेवलपमेंट कौन कर रहा है और इतना सहज तरीके से चीजें वहाँ पर कैसे चल रही है, तो ये एक मेरा अनुभव था वहाँ पर जो कि बहुत अच्छा था। और हाँ ग्रीनरी, और मैंने आपको बोला कि वहाँ फील अच्छा आ रहा था, पता नहीं पॉजिटिविटी लगी, थोड़ा हॉन्टेड दिख रहा था क्योंकि मे बी ओल्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से, लेकिन जो कहते हैं ना कि हरियाली या एक गुड फीलिंग आ रही थी पता नहीं क्यों, तो इट वाज अ वेरी हैप्पी फीलिंग, मैंने बी वेयर देयर, हम लोग को मजा आया, ये मेरा अनुभव था, हम लोग को मजा आया। इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ, मैं आई डोंट नो माय और अदर्स, मैं क्या सोच रहा था मालूम है कि हम लोग बहुत कम कवर किए यार, बहुत बड़ा था
बहुत बड़ा था। मैं सोच रहा था नेक्स्ट टाइम मैं क्या करता हूँ, हेलमेट में लगाता हूँ गोप्रो, यस, और उसके बाद फिर बाइक से जाते ब्रो। क्यों माने, कोई कोई जगह ऐसी थी ना जहाँ पे कार नहीं जा सकती थी, नहीं जा सकती थी। हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, क्यों हो गए थे हम लोग, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि उसका एंड कहाँ है, एंड कहाँ। हम चलो घुसा तो देंगे, लेकिन पता चला कहीं गाड़ी हमारी प्रॉब्लम हो जाता है। हमारी व्लॉगिंग टेक्निक ऐसी होती है कि वी गो इन, पहले हम पूरे अंदर जाते हैं, किसी वहां से शुरू करते हैं और शुरू वहां से करेंगे जहाँ अंदर जाके फिर निकलेंगे। हम लोग सब देख लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप, एंड देन वी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कभी कभी कि क्या क्या दिखाना है, पॉइंट्स मार्क करते हैं, पकड़े हम लोग नोट्स भी कभी कभी होते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि कुछ चीजें मिस हो जाए, और अगर हम लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद ऐसा ना हो कि, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाता, पता नहीं कौन है, क्या रहता है, कैसी है, जंगल है, क्या है, तो गाड़ी लेके जाना वैसे ठीक था, लेकिन कहीं गाड़ी अगर अटक जाती, अगर हम लोग बाइक से गए ना ब्रो, तो फिर वो दैट विल बी कूल एंड अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू, गोप्रो लगा रहेगा तो फिर सारी चीजें कवर होगी। और हम लोग करीबन गए थे 1 बजे के करीब, एक सवा एक था ना, कितना हाँ मतलब याद नहीं मेरे को कितने बजे था, 1:20 के आसपास, नहीं शायद 12:53 हाँ वो 50 इस पे हो रहा था, 12:53 मतलब 1 बजे के करीब हम लोग गए थे। तो अगर उसको अगर हम लोग थोड़ा और रात को जाते लाइक 3 बजे के करीब, तो सीन क्या होता? एक्चुअली हम लोग की, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी आदत बिगड़ चुकी है रात की व्लॉगिंग की, लेकिन हम हॉन्टेड चीजों को ढूंढने के लिए भाग जाते हैं कभी भी। हम लोग को आप लोग बोलेंगे कि भाई नॉर्मली कोई कंटेंट बताएंगे, हम निकल पड़ेंगे उस कंटेंट के पीछे, पर दिमाग में रहेगा हॉन्टेड है क्या नहीं है। हॉन्टेड क्यों मालूम है क्या? देखो रात को 3 बजे लोगों ने हॉन्टेड टाइमिंग दी है, तो एक बार 3 बजे भी जाके देख लेंगे अगर आप लोग चाहते हो तो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इंस्टाग्राम पे भी बताओ, इवन नीचे कमेंट से भी बता दो। और एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हो सके तो डे में भी जाएंगे, बिल्कुल, वैसे हम लोग को डे में टाइम नहीं मिलता, लेकिन हो सके तो जाएंगे ताकि आप लोग को डे का भी व्यू वहाँ पे मिले, ठीक है। तो बस अगर आप लोग को मजा आएगा तो इस वीडियो को दबा के शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जिसका नाम है व्लॉग विजय पवन सिंह, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, जाके फॉलो कर लो और दबा के शेयर करो, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू। गोप्रो का जो आईडी था वो सुबह मस्त है, मुझे लगता है जाना चाहिए, क्या बोलते भाई, चलो ना भाई, मजा आया, मजा आया, टाटा।